वाला स्टोन का है कि ये 45,000 का था। इंद्राणी के साथ मैचिंग में नहीं जा रहा था बट बहुत कंफ्यूज था। वेलकम बैक टू रैप जिंदगी। अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है और ये पूरा बारिश में भीग रही है। मेरे को भी मन कर रहा है बट वही ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद हो ना मम्मी वाला चिंता आ जाता है दिमाग में कि नहीं भीगना नहीं है, अगर बुखार आ जाए तो। समझ आ रहा है अभी उम्र के साथ ये चेंजेस होता है। मैं आज काफी मतलब कई सालों के बाद ऐसे भीगी हूँ। कई साल? हाँ पूरा। मैं तो मैं पहली बार भीगी हूँ। मैं तो पिछले साल ही भीगा था क्योंकि मम्मी तो घर पे भीगने नहीं देती थी। कोई मम्मी नहीं देती। कोई मम्मी इस घर में जो मम्मी है वो भी इस घर में वो भी बोल रही है कि ठंड लग जाएगा, लेकिन ये वाली मम्मी है ना क्या है ना कि वो जोर नहीं कर सकती मेरे मम्मी के द्वारा, ये एक एडवांटेज है। उधर पूरा पानी जम गया। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। अभी हम थोड़ा निकल रहे, कहाँ जा रहे बता रहे, बट बाइक पे जाने का मन था बट इनको जाने का मन नहीं है क्योंकि बारिश कोई भी आ सकता है। बारिश अगर बाइक में आए तो कहीं पे रुकना होता है, मतलब टाइम वेस्ट। जो भी है, इस बाइक में एक प्रॉब्लम है, देखा हूँ ये वाला जो पाइप है ना इसमें से तेल निकलता है। देखो यहाँ पे दाग हो चुका है। इसमें से तेल कब निकलता है? अगर मैं 2-3 हफ्ता बाइक को स्टार्ट नहीं दे रहा हूँ, बस ऐसे पड़ा हुआ है, तब निकलता है ड्रॉप करके। अगर मैं कंटिन्यूसली स्टार्ट देता रहता हूँ, मतलब दिन 2-3 दिन को छोड़ के या फिर एक हफ्ता छोड़ के भी करता हूँ तो ये इशू नहीं होता। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, मम्मी का टाइम नहीं होगा। अभी बारिश अभी भी हो रहा है, स्टिल इट्स रेनिंग। देखा मैंने बोला था। तो मम्मी आज नहीं जा पाएगी हमारे साथ क्योंकि मम्मी का ट्यूशन है अभी, तो 3 बच्चे आए हुए हैं और ये सब चीज़ें ना खरीदने हम जब भी जाते हैं तो मम्मी अगर साथ में हो ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता खरीदने का। हाँ, समझ नहीं आता कि ये ही लेना चाहिए या नहीं। वो 100% का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे को लगता है। जो भी है, तो हम दोनों अभी जा रहे हैं बारासात साइड पे। इसने कुछ दुकान देखा है अपने कोर्ट के रास्ते में, जहाँ से मेरे को दोनों को हल्दी का जो आउटफिट होगा, हल्दी का आउटफिट नहीं है अभी तक, बाकी सब लगभग हो ही गया है लगभग। मेरा भी नहीं हुआ, मतलब मेन डे का अभी तक नहीं हुआ है, बाकी इधर उधर का हो ही गया है। तो ये है एसी मार्केट जो बारासात में आता है, और यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के कलेक्शंस मेरे को देख रहे थे, मतलब एथनिक से लेके वेस्टर्न सारे, बहुत सारे कलेक्शंस थे एक्चुअली, बट लड़कों को वैसे कुछ खास मिला नहीं। तो जो भी है, हम लोग डिसाइड की कौन से शॉप में जाना है एंड हम लोग एक शॉप में एंटर करते हैं, और हम जो हल्दी वाला लहंगा हम जो बात कर रहे थे वही चेकआउट कर रहे थे। तो ये वाला लहंगा बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि इसका जो स्टोन वर्क है बहुत ही मतलब ठीक ठाक है, सिंपल में है और कलर भी बहुत ब्राइट है, और ये वाला में काम बहुत अच्छा किया गया जो स्टोन वर्क है, बट कलर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो काइंड ऑफ कन्फ्यूज कि कौन से कलर टोन में जाना है। तो यहाँ से सब कुछ फाइनल करने के बाद हम लोग गए तनिष्क में टू फाइंड आउट एंड चेक आउट फ्यू अदर रिंग ऑप्शंस, मतलब मेरे लिए, इंद्राणी के लिए। तो जो अभी हाथ में देख रहे हो ये 16,000 के रेंज में है। फिर ये जो बड़ा वाला स्टोन का है ये 45,000 का था, तो एकदम मतलब आपका 15-16 से स्टार्टिंग हो जाता है और एकदम हाई रेंज तो छोड़ ही दो, बहुत हाई रेंज तक जाता है, बट यू आर गोना रियली लव। बट बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे, नॉट जस्ट लड़कियों के लिए, लड़कों के कलेक्शंस भी मेरे को बहुत पसंद है। मतलब इतना अच्छा कलेक्शंस मिलेगा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पे कुछ फाइनलाइज नहीं करके हम लोग निकलते हैं, जाते हैं रेमंड शॉप में। वहाँ पे मेरे को अपने रिसेप्शन के लिए वेलवेट में कुछ चाहिए था, लाइक वेलवेट प्लेजर्स जो होते हैं मेरे को वो चाहिए था। यहाँ पे आके मेरे को ये ग्रीन वाला कलर इतना अच्छा लग गया, बट वो इंद्राणी के साथ मैचिंग में नहीं जा रहा था, बट बहुत कंफ्यूज था, बट फिर भी मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि आई वेंट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट कि मेरे को मैचिंग में पहनना है इंद्राणी के साथ। इंद्राणी भी एक्सेप्ट कर ली एंड मैं ग्रीन को फाइनलाइज किया एंड अपना मेजरमेंट देना चालू कर दिया। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि रेमंड के दुकान में मेरे को जो मैं चाह रहा था उससे भी बहुत अच्छा मिले, लेकिन लास्ट उम्मीद थी। हाँ कि मतलब ऐसे हमेशा ही जब भी हम लोग आए हैं ना तो वो सब एजेड लोगों का मिलता है, ऐसे पार्टी लोग का कभी नहीं देखा, बट यहाँ पे मिला और मतलब सिर्फ एक वो कलर, हमने सोचा था कि हम मैच करके कलर जो ये कलर पहनेगी वो मैं भी पहनूंगा, बट ये इतना अच्छा लग गया कि मैं वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा कि मैं हरे रंग का कुछ पहनूंगा। ब्लू, ये ग्रीन कलर अच्छा है उसके साथ, अच्छा जाएगा। अगर यही ब्लू के ऊपर ऐसा होता
तो एकदम ठीक ठाक होता है। तो हमने वो ग्रीन वाला फाइनल किया क्योंकि वो बहुत सही है। यहाँ पे एक मेला चल रहा है, हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये एक्चुअली मध्यम गांव में कोई फीलिंग नहीं हो रहा, देखो तुम्हारे ये स्कैम, ये भी स्कैम है। BTS पेन आई डोंट लाइक BTS। यहाँ पे कितने तरह का पेन है देखो, ये कंगी वाला, ये हाथ वाला, और वहाँ पे तो एक लिपस्टिक वाला भी वाला, है वाला। हाँ लिपस्टिक वाला भी है। ये क्या है, ये देखो ये भी पेन है। शकला का बूम बूम नहीं है ये कितना मतलब बदतमीज लड़का है ये। मैंने बोला था कि सभी तो सभी के बचपन में ना शकला का बूम पेंसिल से क्या तुम ड्रॉ करते थे और क्या तुम्हें मतलब ख्वाहिश क्या होती थी जो तुम ड्रॉ करते थे, आप लोग समझ गए हो। तो मैंने बोला था कि मुझे मैं घर बनाती थी, बंगला बनाती थी, ड्रेस बनाती थी। इसने बोला मैं सनी ड्रॉ करना चाहता था। ये हर लॉन्डो का ख्वाब है। कितने कितने लोग इससे सहमत हो तो आप नीचे कमेंट में बताओ। अच्छा लग रहा है। ये वाला अंगूठी मैंने लिया है, बहुत अजीब है बट मेरे को सही लगा तो ले लिया मैं। अच्छा है जिस अंकल से ये रिंग लिया ना, वो अंकल इतना तारीफ कर रहा था इसका, मतलब पूछो ही मत। 30 रुपए के लिए इतना तारीफ, इतना मतलब जेन्युइनली किया क्या, सिर्फ दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। मतलब वो कह रहा है कि मैंने मध्यम ग्राम में ऐसा लड़का पहली बार देखा है, इसका स्किन कलर कितना अच्छा है, मतलब कितना अच्छा लड़का है, मतलब ऐसे ऐसे तारीफ पहली बार किसी ने की है। 30 रुपए के लिए। जो भी अभी जा रहे घर, घर जाके आपको ये थोड़ा दिखा देंगे इसका जो लहंगा फाइनल हुआ है। मेरा अभी तक कुर्ता फाइनल नहीं हो पाया, यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा नाना, मेरे को जाना पड़ेगा उधर बीटी रोड साइड पे, श्रीनिकेतन में हमने देख के आया था राइट। आई थिंक श्रीनिकेतन से वही वाला ले लेंगे जो लास्ट टाइम देखा था, लेट्स सी। सो दोस्तों दिस इज द नेक्स्ट डे एंड काफ़ी दिनों बाद बाइक पे आज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टू द गोल्ड शॉप, क्योंकि जो हमने तनिष्क में गया था वहाँ से हमने कुछ डिज़ाइंस तो देखे जो पसंद आया था, बट क्या बात है कि यहाँ पे ऑलरेडी मम्मी ने हमारा जो बचा कुचा होता है ना, मतलब सोना एक्सचेंज करके नया वाला लेना, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है वो काम। तो ऑब्वियसली दे आर डिनाइंग विदड्रॉल ऑफ दैट सोना। अरे यार मैं शायद बाइक में तेल का ये बंद कर दिया हूँ। हाँ तो एक्चुअली इस बाइक में जैसे मैंने आपको बताया कि लीक हो रहा था, तो मैं तेल बंद कर दिया था, मैं खोलना भूल गया तो बाइक अभी बंद हो रहा था। इधर मैं रास्ते में काम कभी ख़त्म होगा कि नहीं, मेरे को लगता नहीं है कभी ख़त्म होगा। तो अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ सोने की दुकान पे टू फाइनलाइज द डिज़ाइंस कि कैसे डिज़ाइन होने वाले हैं। बट हाँ अगर यहाँ पे नहीं जाते तो तनिक से ही लेने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बिकॉज ऑफ द डिज़ाइंस। वहाँ पे प्राइस थोड़ा हाई है ऑब्वियसली, बट डिज़ाइंस वेर अमेजिंग मैन। Oh, you are finally here. तो फाइनली ये लहंगा हम मैंने डिसाइड किया लेने को। इसका जो डिजाइन है और इसमें जो किया गया है ये सब स्टोन्स का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दुपट्टा कुछ खास नहीं है तो ये वाला ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका कलर अच्छा है, लेकिन दूसरा वाला जो था उसका स्टोन वर्क अच्छा था लेकिन उसका कलर अच्छा नहीं था। और ये तो मैं कल दिखाना भूल गया, बट लास्ट ब्लॉग में एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, मेरे को याद आया कि ये वाला कुर्ता जो मेरे नाना है मम्मी के पापा उनके लिए ये वाला कुर्ता फाइनलाइज किया। और ये और मेरा रजिस्ट्री वाला ब्लॉग देखोगे तो मैं रजिस्ट्री के दिन जो कुर्ता पहना था वो ये एग्जैक्टली सेम है, बस कलर डिफरेंट है। तो ये हो गया मेरे नाना के लिए, और ये है इंद्रानी के नाना के लिए, ये वाला लिया गया। सो ये थोड़ा गोल्डन वाला वर्क पे है। तो दैट्स द थिंग, अभी नहाने जाना है, काफ़ी लेट हो गया, मेरे को भूख भी लगा है, खाना भी है।